हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, वैसे तो मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड कैसे करने हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें जो कॉलेज अलॉट किए गए हैं हमें वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, बट बेटा ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को साइट पर ही, ऑफिशियल साइट पर ही असाइनमेंट्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज। सो अब आप लोगों को डाउनलोड कैसे करने हैं वो तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू थंबनेल आपने पढ़ा है कि हम इसमें ये जानेंगे कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है और असाइनमेंट आ कब से गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मास्टर डिग्री मैंने इग्नू की ऑफिशियल साइट असाइनमेंट की ओपन कर रखी है। मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, PG, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, PG सर्टिफिकेट, सभी प्रोग्राम्स के यहाँ पर असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जिन बच्चों ने जुलाई वाले सेशन में एडमिशन लिया है 2022 में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो आप लोगों को अगर मैं एक बार दिखा देती हूँ, जैसे हम मास्टर्स डिग्री का ओपन करते हैं, सो असाइनमेंट में MA हिस्ट्री का मैंने ओपन करा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, आप लोगों की जो सबमिशन ऑफ डेट है वो कब की है, वो चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ आप लोगों को देखनी कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कहाँ हैं। देखो जी, स्टार्टिंग में आपको दे दिया गया है MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर कोर्स असाइनमेंट फॉर जुलाई 2022 एंड जनवरी 2023। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न चारों सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे ना, तो ये देखो आप लोगों की डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट दे रखा है जुलाई 2022 के सेशन का जो है 31 मार्च तक देने हैं, और जिन बच्चों का जनवरी में एडमिशन होगा 2023 में, उन स्टूडेंट्स को 30 सितंबर 2023 को असाइनमेंट देने हैं। इसका मतलब उनके दिसंबर में पेपर होंगे, और जिन बच्चों को जुलाई वाले जो बच्चे हैं जिनको मार्च में असाइनमेंट देने हैं, उन बच्चों के पेपर जून में होंगे। ओके, जून और जुलाई का टाइम रखा जाता है पेपर का, वही पेपर का टाइम होगा। ओके, सो आप लोग ऐसे करके अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लो। बाकी नीचे थोड़ी बहुत और गाइडलाइंस दे रखी हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर इन अबाउट 50 words, 500 words, 10 marks के 250 words, या फिर आप लोग एक चीज़ और नोट करो, आप लोगों को जो आंसर्स दिए जाते हैं इग्नू में बिल्कुल स्कूल की तरह लिखने होते हैं, 2 marks, 4 marks, 6 marks, 10 marks के, ठीक है। अब वो आप लोगों को कैसे लिखने हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी कि आंसर कैसे लिखने हैं, कितने मार्क्स के आंसर में कितने पेजेस का आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं। सो उस चीज़ के लिए काफ़ी बच्चे कभी कभार मार्क्स अपने कट करवा लेते हैं, इसलिए मैं वो चीज़ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी। सो यहाँ पे बाकी सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है, देन उसके बाद आपके क्वेश्चन दे रखें अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेस एंड योर सब्जेक्ट्स। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर वो उसकी पीजी के बच्चे सभी अपने अपने डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, मैं एक एक का डाउनलोड करके तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट एक और हम MA इकोनॉमिक्स का भी देख लेते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर देख लो 2022 और 2023 का है, आपको यही डाउनलोड करना है, फर्स्ट ईयर का हमने डाउनलोड कर लिया है। जुलाई 2021 और 2022 नीचे वाले का डाउनलोड मत करना, ऊपर वाले का ही करना। सो जुलाई 2022 एंड जनवरी 2023 का जो असाइनमेंट है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पर आ गया है, टोटल आप लोगों को बता दिया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्टडी सेंटर 30 अप्रैल 2022। जुलाई सेशन के जो बच्चे हैं वो 30 अप्रैल तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, और 31 अक्टूबर, जिन बच्चों का अक्टूबर में एडमिशन होगा वो बच्चे जिन बच्चों का जनवरी में एडमिशन होगा वो बच्चे 31 अक्टूबर तक 2023 तक अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सो, जिन बच्चों का जुलाई में एडमिशन हुआ है अप्रैल में वो अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, तो अगेन मार्च में या फिर जून में उनके पेपर होंगे। एंड जिन बच्चों ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है उन सभी स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो नवंबर दिसंबर में होंगे। सेम टू सेम अब बात तो हो गई हमारी पीजी की, अब हम बात करते हैं बीए की, ठीक है, यूजी में अगर हम बीएससी की बात करें, बीएससी CBCS सिस्टम, अब ये मतलब आ गया है, CBCS का मतलब होता है सेमेस्टर मोड। तो मैंने यहाँ पे बीएससी बॉटनी का इंग्लिश में डाउनलोड करा असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन, ठीक है, वो डाउनलोड हो रहा है अभी, हम देखते हैं हो गया जी। सो
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो बीएससी का बायोडायवर्सिटी, ये मैंने बॉटनी का करा है तो आपको ये प्रोवाइड किया गया है, वैलिड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022। इनफ इज इनफ, क्यों? क्योंकि ये सेमेस्टर मोड है। आपको इसके अंदर आपकी स्टार्टिंग का पेज भी दे रखा है, वैसे स्टार्टिंग का जो पेज है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, सो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका अगर सेमेस्टर मोड है और आपने जुलाई को एडमिशन लिया है, जुलाई में, जुलाई के सेशन की डेट एक्सटेंड हुई है बार बार, अगर आपने सितंबर में एडमिशन लिया है तो भी आपने जुलाई वाले सेशन में ही एडमिशन लिया था, ठीक है, तो आप लोगों के जो सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने 31 दिसंबर दे रखे हैं और पेपर की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। 31 दिसंबर तक आपको अपने असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं, दैट्स मीन कि आपके पेपर जनवरी में होंगे, ठीक है। वैसे ही जो हमारे सेमेस्टर मोड में पीजी के स्टूडेंट हैं एमकॉम के, उन बच्चों को भी, वैसे तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट आई हुई है, दिसंबर में पेपर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड करके चेक कर लो कि आप लोगों को क्या दिया गया है। जूलॉजी का हम अगर डाउनलोड करके देखें तो एक बार जूलॉजी का भी देख लेते हैं। देखो जी, जूलॉजी में भी आप लोगों को दे दिया गया क्योंकि ये भी सेमेस्टर मोड है। अब आप यहाँ देख सकते हो जिनका एडमिशन 31 दिसंबर में होगा, 1 जनवरी उन बच्चों को असाइनमेंट्स के लिए दिया गया है, क्योंकि बेटा आप लोगों का सेमेस्टर मोड है, आप लोगों को पेपर जल्दी देने हैं, हर 6 महीने में देने हैं, इस वजह से आप लोगों को सबमिशन डेट यहाँ पर दे दी गई है। ओके जी, वैलिड डेट दे दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी है कोर्स के अकॉर्डिंग सब अपना कर सकते हो। एक बार डिप्लोमा प्रोग्राम के भी देख लेते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम में एक बार हम यहाँ पर DSC DM का देख लेते हैं, इंग्लिश में 2022 का यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, मतलब ये अभी का ही डला हुआ है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 30 सितंबर दे रखी थी, ये फिनिश हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, सो ये तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं थी, फिर भी मैंने अंदाजन आपको दिखा दिया है, बता दिया है। बाकी मास्टर्स और BA UG के जो बच्चे हैं, PG के और UG के, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये इन्फॉर्म कर दूँ, बेटा आप लोग असाइनमेंट बनाओ अपने और अपनी पढ़ाई, चाहे आपका सेमेस्टर मोड है या एनुअल मोड है, कंटिन्यू रखना। ये मत सोचना कि कोई बात नहीं अभी 1 साल है हो जाएगा, स्पेशली PG के स्टूडेंट्स को मैं ऐसा बोलूँगी, क्योंकि बेटा आप MA को हलवा समझ रहे हो कि अरे प्राइवेट ही तो है, हो जाएगा, नहीं, MA एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सब चीज़ें इसमें वास्ट आएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि BA में जितना था उतना ही आएगा, अब और खुल कर आएगा। तो आप लोगों को, BA के स्टूडेंट्स को या फिर MA के, MCOM के, MSc के स्टूडेंट्स को अगर क्लासेस चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। आपके जिस भी फ्रेंड्स और सिबलिंग्स ने एडमिशन लिया है अगर इग्नू में किसी भी कोर्स में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अपने डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। ओके स्टूडेंट, होप्स हो कि अब तो आपके डाउट्स नहीं रहे हों। सबमिशन ऑफ डेट जो है असाइनमेंट्स की, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है आप ही के असाइनमेंट में, तो कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हम डिपार्टमेंट जाएं क्या करें क्या, कुछ नहीं बेटा, सब कुछ घर बैठे आपको दे दिया गया है। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।